तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सार्क सॉफ्ट के स्टॉक के बारे में। सार्क सॉफ्ट के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट है, रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 4.38% की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, वो भी बिल्कुल यहाँ पर स्टॉक के इस रेजिस्टेंस लेवल से। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 368 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन हमको स्टॉक में 345, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 324 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 312 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 402 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक है 430, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 450 एंड देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 480-500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।